शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। राधे 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 ओम गणेश सूर्याय नमः। राधे 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 महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। सुनिए वो तुलसी सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही है। भाग्यवान गोपाल भी गोकुल में इसी तरह गायब हो जाते थे। यशोदा मैया उन्हें गोकुल में ढूंढती फिरती रहती थी। आओ सुनिए तो सही, मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा। बाबा अरे क्या हुआ बिटिया, बोलेगी भी क्या हुआ? तुलसी इतना हाफ क्यों रही है? फिर किसी का नुकसान करके आई क्या? अरे महतेश्वरी, किसी का नुकसान नहीं किया बल्कि आज तो चमत्कार ही हो गया। चमत्कार? आज हमें अपनी भक्ति का फल मिल गया। आज हमारे लड्डू गोपाल ने हमें साक्षात अपने दर्शन दिए। सुनिए तुलसी बिटिया, ये क्या कह रही हो तुम? लड्डू गोपाल दर्शन? बाबा हम सच कह रहे हैं। वो मोरपंख जो बचपन से हमारे सपने में आता था, वो हमारे लड्डू गोपाल का ही है। उन्हीं की मुरली की धुन हमें हमेशा अपने सपने में सुनाई देती थी। आज हमारा सपना सच हो गया है बाबा, हमें लड्डू गोपाल ने साक्षात दर्शन दिए तुलसी धाम में। तुलसी धाम? इसे तुलसी धाम के बारे में किसने बताया होगा? यह तुलसी धाम भगवान लड्डू गोपाल की जमीन है। मैं इसे किसी भू माफिया के हाथ नहीं लगने दूंगा। सुमित्रा, बाबा कुछ सुन रहे हैं ना? हमने क्या कहा बाबा? हम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुलसी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। पर मां, बाबा सुन, वो सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। पहले तो तुम सोते सोते सपने देखती थी, अब खुली आंखों से भी सपने देखने लगी। अपनी आंखें खोलो और ये सपने देखना बंद करो। मातेश्री मातेश्री मातेश्री, आप नहीं समझेंगी। आज हमारे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। आज हमें अपनी भक्ति का फल मिला है। बाबा आज तो ना हम पूरे गोरबा को अपनी खुशी बताएंगे और फिर लड्डू गोपाल ने खुद हमें अपने दर्शन दिए, सबको बताएंगे। सुनिए आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है ये उसका भ्रम हो। अगर भ्रम न होकर ये सच हुआ तो पाला को कहीं सचमुच में तुलसी धाम में लड्डू गोपाल ने उसे दर्शन दिया हो तो जाके रही भावना जैसे प्रभु मोरे देखी तिन तैसे। संसार को लगता है कि मेरा दर्शन अत्यंत कठिन है, दुर्लभ है। मेरे दर्शन के लिए उन्हें युगो युगो तक कठोर तपस्या करनी होगी, हठयोग करना होगा। पर सत्य तो ये है कि मैं केवल भाव का भोका हूँ। जिसके हृदय में मेरी भक्ति की सच्ची लौ लग गई, उसकी एक पुकार पर मैं उसके सम्मुख प्रकट हो जाता हूँ। तभी तो तुलसीदास को मैंने अपने हाथों से चंदन का तिलक लगाया था, मीरा का किरदार गोपाल बना था संत ज्ञानेश्वर,
तुकाराम, शंकराचार्य और बालक रघुनंदन को मैंने दर्शन दिया था और उसी भक्ति भाव से बंधकर मैं बना हूँ तुलसी का सखा और तुलसी धाम का लड्डू गोपाल। मंदिर में भगवान अकेले, भक्तगणों त्रिगुण धाम के भगवान आ गए हैं, आकर आशीर्वाद ले लो। भगवान सब, भगवान सब, बड़ी बहू और हमारी छोटी बहू कहाँ है? और जिसके लिए मैं इतना दहाड़ रहा हूं वो कहाँ है? जी कहिए, क्या बात है? पूछ रही हो क्या बात है? 100 करोड़ हमारे बेटे अंगद ने 100 करोड़ की डील फाइनल की है। और इतने बड़े अवसर पर आपका मुंह मीठा करना तो बनता है, इसीलिए हम आपके लिए गर्मा गर्म मोतीचूर के लड्डू बनवा कर लाए हैं। आखिरकार आपके बेटे ने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना सीख ही लिया। यही तो मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बच्चे आपके नक्शे कदम पर चले। अरे धर्म पत्नी जी, दुखी बाद में हो लीजिएगा, अभी तो गर्व करने का टाइम है। 21 साल से जिस तुलसी धाम पर धूल उड़ रही थी उसे हमारे बेटे ने सोने में बदल दिया। बचपन में लड्डू गोपाल ने तुम्हें लोरी सुनाई थी और अब साक्षात दर्शन भी दे दिया, इतनी कृपा। लतिका, बात कृपा की नहीं, बात श्रद्धा और भक्ति के भाव की। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे लड्डू गोपाल हमें एक ना एक दिन दर्शन जरूर देंगे, तो बस हो गए हमें दर्शन। तो कैसे दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे लड्डू गोपाल? उनकी आभा, रंग रूप, उनकी वो दिव्य मुस्कान। नतिका, हम क्या बताएं? जैसे वो हमारे सामने आए ना, एक पल के लिए जैसे हम खुद को ही भूल गए। एक पल के लिए मानो सब कुछ ठहर सा गया, ना ये जगत था ना हम थे, जैसे सब कुछ उन्हीं से जन्म ले रहा था और उन्हीं में समा रहा था। आज तो हमें सच में ऐसा लगता है जैसे इस तुलसी धाम के कण कण में हमारे लड्डू गोपाल का वास है। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।